आपके साथ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। हलफनामा में उन्होंने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। उनके पास 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्तियां 37 करोड़ 9 लाख रुपए और अचल संपत्तियां 27 करोड़ 64 लाख रुपए की है। प्रियंका के हलफनामा पर गुरुवार को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, प्रियंका गांधी वाड्रा के हलफनामा में पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की जानकारी गलत बताई गई है। रॉबर्ट वाड्रा की आय कम है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ज्यादा डिमांड कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने शिमला में घर खरीदा, लेकिन केवल उसके 10वें हिस्से की कीमत बताई, यानी दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर दिखाई। इसमें खड़गे पीछे की सीट पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि खड़गे पिछड़े वर्ग से आते हैं, केवल किसी पद पर बैठाकर इन लोगों ने रिमोट अपने हाथ में रखा है। ये लोग किसी बाहरी को नेता अपनाना नहीं चाहते। इन्होंने तो मौलानाओं की बैठक में कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी माना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वायनाड में आपदा के दौरान इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी इस परिवार ने एक भी रुपए दान नहीं दिया। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। यहां 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।